नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। छगन भुजबल गिरफ्तार, राकांपा नाराज। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल की गिरफ्तारी से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। राकांपा ने भुजबल की गिरफ्तारी को भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति करार दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो ईडी के साथ सहयोग कर रहे थे। राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि ये भाजपा की प्रतिशोध की राजनीति है, उनको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय बिना उनको गिरफ्तार किए आरोप पत्र दाखिल कर सकता था। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने एक घंटे लंबी हुई पूछताछ के बाद रात में गिरफ्तार कर लिया। अब दिल्ली सरकार के विज्ञापनों में आजादी। जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार के आजादी के नारे के अत्यंत लोकप्रिय होने के बाद दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने कामकाज के प्रचार के लिए भी इस नारे का इस्तेमाल कर नया विज्ञापन अभियान शुरू करने का फैसला किया है। आजादी का ये नारा हाल ही में जेएनयू विवाद के दौरान बेहद लोकप्रिय हुआ। इसी नारे को लेकर कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों में होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए हैं तथा इसी तरह के विज्ञापन अखबारों और रेडियो पर दिए जाएंगे। दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्र ने कुछ पोस्टर्स की सामग्री ट्वीट की जिनमें लिखा है, बढ़ती महंगाई से आजादी और गलत बिलों से आजादी। इशरत मामले में पिल्लई ने झूठ कहा, चिदंबरम। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि तत्कालीन गृह सचिव जी के पिल्लई ने इशरत जहां मामले से जुड़े कागजात कम से कम 3 बार देखे और आश्चर्य जताया कि केवल वही कागजात क्यों गुम हो गए जिनसे साफ हो जाता कि पूर्व नौकरशाह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, फाइल तत्कालीन गृह सचिव की मेज से कम 3 बार गुजरी थी। उन्होंने भाषा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केवल मामूली संपादन किया था। चिदंबरम ने स्पष्ट करते हुए कहा, मसौदा जब अटॉर्नी जनरल के पास से आया तब उन्होंने मेरे पास भेजा और जब मैंने इसे वापस भेजा कम से कम 3 बार फाइल पिल्लई के पास गई।